सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं अपकमिंग इवेंट जो आने वाले हैं उसके बारे में। काफ़ी सारे न्यू इवेंट्स हैं जो निकल के सामने आए हैं, जो कि इंडियन सर्वे बहुत ही जल्दी आने वाले, क्योंकि अदर कंट्री के सर्वे पे वो इवेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड इनक्यूबलेटर वाली ड्रेसेस हैं, वो भी मैं आपको फुल अप दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से दिखने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, जो न्यू ओटेरो पैट है वो आने वाला है इंडियन सर्वर पे, क्योंकि वो अदर कंट्री के सर्वर पे भी आ चुका है, डायमंड टॉपअप के थ्रू भी आ चुका है और पैट रॉयल में भी अवेलेबल हो चुका है वहाँ पे। तो होपफुली इंडियन सर्वर पे भी हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एंड मुझे जहाँ तक कि पता है यार, इंडियन सर्वर पर डायमंड टॉपअप पर ही आएगा, क्योंकि अदर कंट्री के सर्वर पर वहाँ पर एक डायमंड के टॉपअप पर ओटेरो पैट मिल रहा है। तो हो सकता है कि इंडियन सर्वर पर भी डायमंड टॉपअप में ही आए, बट एक डायमंड का श्योर नहीं है कि वो एक डायमंड टॉपअप पे दे, क्योंकि यहाँ हमेशा हम लोगों को लूटते हैं। तो हो सकता है कि या 300-400 डायमंड जो भी होगा उस टॉपअप के थ्रू अवेलेबल हो सकता है कल परसों, जब भी होगा तब तक। देन इसी के साथ हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो अदर आने वाला है इवेंट उसके बारे में। एक आपको स्क्रीन पे दिख रहेगी फीमेल कॉस्ट्यूम, ये फीमेल कॉस्ट्यूम किसी इवेंट के थ्रू हम लोगों को मिलने वाली है। आप इवेंट भी देख लीजिए जो अदर कंट्री के सर्वर पे चल रहा है, ये कुछ इस तरीके का इवेंट है जहाँ पर कि 80% या 90% का बिग सेल करके कुछ दिखाया जा रहा है, जहाँ पर कि आप लोगों को परचेज मतलब चीज़ें जो है परचेज करनी रहेगी। इमोट भी है यहाँ पर, गन के कैरेट्स भी हैं, वाउचर्स भी है, तो ये आप को परचेस करनी रहेंगी एंड उसके थ्रू आप लोग ये कॉस्ट्यूम ले सकते हैं। इसी के साथ मेल बंडल भी निकल के आया है सेम एज इसी का, वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए कि मेल बंडल किस तरीके का दिखने वाला है। मेल बंडल सीरियसली मुझे फीमेल बंडल से काफ़ी अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा है, लुक वाइज एंड सब कुछ सारी चीज़ें बहुत अच्छी है मेल बंडल की। तो मेल बंडल भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि मेल बंडल हम लोगों को किस तरीके से देखने को मिलने वाला है, इवेंट के थ्रू देखने को मिलने वाला है, ये किसी और तरीके से हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, ये अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये इवेंट कब किस तरीके से आना चाहिए इंडियन सर्वर पर। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं न्यू इनक्यूबलेटर जो आने वाला है। न्यू इनक्यूबलेटर में क्या क्या ड्रेसेस आने वाली है, अभी 5 डेज है इनक्यूबलेटर को लेके, तो 5 डेज बाद क्या इनक्यूबलेटर आने वाला है वो आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए कि इनक्यूबलेटर किस तरीके से दिखने वाला है। कुछ इस तरीके की मेल ड्रेसेस एंड फीमेल ड्रेसेस रहेंगे, तो मैं आप लोगों को पूरा बता देती हूँ किस तरीके के दिखने वाला है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, फर्स्ट जो रहने वाला है टॉप बंडल वो मेल बंडल कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, जहाँ पे कि इसका कुछ फेस मास्क है एंड पूरा रेड का कॉम्बिनेशन है, कुछ रेड एंड लाइट येलो का कॉम्बिनेशन है, कुछ हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके के रहने वाली, फेस मास्क कुछ इस तरीके का दिखने वाला है इसका। एंड ये इसका टॉप रहेगा जो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, एंड बॉटम भी इसका इस तरीके से दिखने वाला है। एंड शूज़ काफ़ी शूज़ वैसे अच्छे लग रहे हैं इस पूरे ड्रेस में मुझे, सीरियसली पूरे मेल बंडल में एक ही चीज़ मुझे अच्छी लगी जो कि थे शूज़। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीमेल बंडल की, फीमेल बंडल किस तरीके का दिखने वाला है कुछ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फीमेल बंडल का लुक थोड़ा ठीक ठीक है अकॉर्डिंग टू मेल बंडल, क्योंकि इसकी हेयर स्टाइल वगैरह मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। फुल ऑफ हम लोग देख लेते हैं कि क्लोजली कैसा दिखने वाला है। यार पता नहीं ये क्या क्या अजीब अजीब तरीके की ड्रेसेस बना के देते हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आता, अजीब सा दिखने वाली ड्रेसेस हैं। इसकी हेयर स्टाइल मुझे अच्छी लगी कि हेयर स्टाइल चलो अच्छी है। ये फेस मास्क फीमेल का रहने वाला है, वो भी कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। एंड बात कर लेते हैं इसके टॉप की, टॉप किस तरीके का दिखने वाला है, तो इसका टॉप भी ठीक ठीक है, अच्छा है इसका टॉप भी, बॉटम भी ठीक है, बट बॉटम के पीछे जो पता नहीं फ्लावर क्या लगा कि दिए वो सीरियसली मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। शूज़ भी इसके अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू, हाँ सारी चीज़ों से ठीक है, बट फिर भी इतनी ओपी वाली ड्रेसेस भी नहीं। जो मैंने आपको पहले वाला इनक्यूबेटर दिखाया था उसकी ड्रेसेस मुझे काफ़ी ओपी लगी थी, क्योंकि हो सकता है शायद इस इनक्यूबेटर के बाद वो इनक्यूबेटर आए तो शायद वो यार काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड ये वाला मेल बंडल है सेकंड जो रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, सेम इज़ वही का वही बंडल है, सिर्फ कलर चेंजेस हैं। पता नहीं यार ये इतने गंदे वाले यार इस तरीके के अजीब से बाल दिखने वाले ये लोग क्यों, मतलब क्यों, मतलब कौन यूज़ करने वाला है यार, ये अलग यूनिक चीज़ है इनक्यूबलेटर के समझ में आता है, बट इस तरीके की तो नई चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ना एटलीस्ट। ये इसका टॉप एंड बॉटम एंड शूज़ जो है, एंड फीमेल बंडल भी देख लीजिए, सेकंड वाला जो फीमेल बंडल रहने वाला है वो भी कुछ इस तरीके के, ब्लू का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो पूरा सेम इज़ रहेगा, मतलब सारी चीज़ें वही की वही है।
एंड मुझे सीरियसली पर्सनली बोलूँ ये फ्लावर जो दिया है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बट हाँ, इन सेकेंड वाले और थर्ड वाले में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि इनका फेस मास्क नहीं, जो टॉप बंडल रहने वाला है, जो मास्क उसमें मिल रहा है ये सिर्फ टॉप बंडल में ही मिलने वाला है, सेकेंड एंड थर्ड में ये अवेलेबल नहीं होने वाला है। एंड लास्ट वाले हम लोग देख लेते, लास्ट वाला बंडल किस तरीके का रहे, तो लास्ट वाला बंडल कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलेगा जिसमें कि ब्लैक एंड येलो का थोड़ा सा कुछ कॉम्बिनेशन है जिसमें हमको कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। यार मुझे बस ये ड्रेसेस ओके ओके लगी, कोई ज़्यादा इतनी खास नहीं लगी सीरियसली। एंड अब हम देख लेते हैं फीमेल बंडल किस तरीके रहने वाला है। फीमेल बंडल लास्ट वाला फिर भी मुझे थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा क्योंकि ग्रीन येलो एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके हेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इसका टॉप बॉटम एंड इसके शूज़ काफ़ी अच्छे लगे मुझे सीरियसली, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड जो ड्रेसेस थी उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग कमेंट करके बताओ यार आप लोगों को ये ड्रेसेस कैसी लगी, इनक्यूबलेटर वाली कौन सी ड्रेस आप लोगों को अच्छी लगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।